और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर है, कई जिलों के पुलिस कमिश्नर का तबादला कर दिया गया है। लक्ष्मी सिंह नोएडा की पुलिस कमिश्नर बन गई हैं, अजय मिश्रा को पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद बनाया गया है। आगरा के पुलिस कमिश्नर बने हैं प्रीतिंदर सिंह, रमित शर्मा पुलिस कमिश्नर प्रयागराज बने, अशोक मुथा जैन पुलिस कमिश्नर वाराणसी बने हैं। एसएसपी मुनिराज का अयोध्या ट्रांसफर कर दिया गया, प्रशांत वर्मा को बहराइच का एसपी बना दिया गया, शैलेश पांडे एसएसपी मथुरा बनाए गए हैं, एसपी इंटेलिजेंस लखनऊ मुख्यालय भेजे गए अभिषेक यादव, ए सतीश गणेश को लखनऊ पुलिस मुख्यालय भेजा गया, आलोक सिंह को लखनऊ पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। लखनऊ रेंज के आईजी बनाए गए हैं तरुण गाबा, बरेली रेंज के आईजी बनाए गए हैं राकेश सिंह, चंद्र प्रकाश द्वितीय प्रयागराज रेंज के डीआईजी बने हैं, प्रशांत वर्मा को बहराइच का एसपी बनाया गया है, केशव चौधरी को एसीपी आगरा बनाया गया, अभिषेक यादव को अभिसूचना मुख्यालय भेजा गया, प्रभाकर चौधरी को 11वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर भेजा गया है। तो ये एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। यूपी की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, वो चेहरे भी बता रहे हैं जिनका ट्रांसफर किया गया है। केशव चौधरी है जिन्हें एसीपी आगरा बना दिया गया है, इसके अलावा अभिषेक यादव जिन्हें अभिसूचना मुख्यालय भेजा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया यूपी में। देखिए बिल्कुल, चूंकि लगातार दी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ये खबर बता भी रहा था कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों के तबादले होंगे और 15 से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों के तबादले होंगे, तो फिलहाल उस खबर पर मोहर लगी है। 16 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए और खास बात यह है कि जो नए कमिश्नरेट गठन किए गए थे वहाँ के तो पुलिस कमिश्नर बदले ही गए, इसके साथ साथ नोएडा के भी पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार को हटाया गया है, उनकी जगह पर लक्ष्मी सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। और इसके साथ साथ जो आईजी रेंज का जो पद था लक्ष्मी सिंह का, वहाँ पर अब जो है अबा को जो है नया आईजी रेंज जो है लखनऊ बनाया गया है। इसके साथ साथ कई जिलों के जो कप्तान हैं उनमें भी फेरबदल किया गया है, कई आईपीएस अधिकारियों को जो है डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध भी किया गया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो है वो देखने को मिला है। और लगातार आईपीएस लॉबी में इस लिस्ट को लेकर चर्चा बहुत ज़्यादा थी और सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने बताया था कि लिस्ट तैयार हो चुकी है और 15 से ज़्यादा आईपीएस अधिकारियों के तबादले जो है वो होंगे, तो फिलहाल उस पर मोहर लगी है और 16 आईपीएस अधिकारियों के तबादले जो है वो किए गए। इसके साथ साथ अभी ये माना जा रहा है कि अगले एक या दो दिन के बाद कुछ और आईपीएस अधिकारियों के तबादले होंगे और जो नए कमिश्नरेट बनाए गए वहां पर उन आईपीएस अधिकारियों को तैनाती दी जाएगी, चाहे वो जॉइंट सीपी के तौर पर दिया जाए या तमाम और भी जो पद हैं डीसीपी का उस पर दिया जाए। जी बिल्कुल, यानी कि ब्यूरोक्रेसी में बदलाव होते रहेंगे। अभी आप बने रहिए हमारे साथ, विशाल आपके पास वापस लौटेंगे, कुछ और जानकारी भी लेंगे। जिलों के पुलिस कमिश्नर का तबादला कर दिया गया है, लक्ष्मी सिंह नोएडा की पुलिस कमिश्नर बन गई है, अजय मिश्रा को पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद बनाया गया है, आगरा के पुलिस कमिश्नर बने हैं प्रीतिंदर सिंह, रमित शर्मा पुलिस कमिश्नर प्रयागराज बने, अशोक मुथा जैन पुलिस कमिश्नर वाराणसी बने हैं।